जय राम जी की दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना है। सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। जो जातक पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थोड़े दिन पहले एक जातक ने बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन पूछा, शॉर्टकट। शॉर्टकट अर्थात हर व्यक्ति आजकल हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढता है। उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कोई ग्रह है या ऐसे किसी ग्रह के उपाय हैं जिसको करने से सभी ग्रह ठीक हो जाएं। तो इसी विषय पर आज बात करेंगे कि क्या वास्तव में कोई ऐसा ग्रह है जिसकी अगर हम उपाय करें तो क्या हमारे जीवन में कोई उपलब्धि या कोई फर्क पड़ता है। जी हाँ, ऐसे ग्रह हैं सूर्यदेव। लेकिन सूर्यदेव की उपासना किस प्रकार से की जाए कि उनसे सभी ग्रहों का फायदा या लाभ उठाया जा सके, उस विषय पर हम बात करते हैं। अगर आपकी कोई भी दशा चल रही हो, कुंडली में किसी भी प्रकार की व्यवधान हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसको सुधारने के लिए सूर्यदेव सबसे अच्छे ग्रह हैं। क्योंकि सूर्य की किरणों से जो 7 प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है वो सभी ग्रहों को ठीक करने में हमारी मदद करता है। इसलिए अगर एक छोटे पैमाने पर अगर हमें कोई सरल उपाय चाहिए कि सभी ग्रहों हमारे बैलेंस में रहें, इस तरह का कोई उपाय बताएं, तो वो सूर्यदेव से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि सूर्यदेव के जो प्रकाश होते हैं उस प्रकाश के अंदर सभी ग्रहों को ठीक करने की ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव की किस प्रकार की उपासना की जाए जिससे कि हमें अच्छा पुण्य मिले और सभी ग्रहों पर उचित प्रभाव पड़ सके। देखो, सभी ग्रहों के अपने अपने अलग अलग उपाय हैं, लेकिन अगर कोई सभी ग्रहों के उपाय या किसी खास ग्रह के उपाय अलग अलग नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति को सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। हमारे वेदों और ग्रंथों में भी सूर्य उपासना का बहुत ही महत्व दर्शाया गया है। पुराने समय में प्रकृति की पूजा की जाती थी और प्रकृति में खास तौर पर सूर्यदेव की पूजा की जाती थी। सूर्यदेव की पूजा करने का सबसे अच्छा विधान है, सूर्य उदय होने से पहले आप उठिए और लाल सूर्य जब होता है हमारा, उस समय सूर्य उदय होते हुए सूर्य को आप जल दें। और जल इस प्रकार दें कि सूर्य की जो आपके जल आपको जो जल नीचे गिरेगा पृथ्वी पर, उसकी सीधी किरणें आपकी जल पर गिरें और वो किरणें आपकी आंखों तक आए। इस प्रकार से सूर्य को जल दिया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें सूर्य को जल देते हुए कि वो छींटे जल के आपके पैरों पर ना पड़े। हो सके तो कोई बाल्टी या कोई चीज़ ऐसी रख लें जिससे कि जल उसी में गिरे। मैंने काफ़ी लोगों को इस प्रकार से देखा है कि नीचे तुलसी रखी होती है, वो जल देते हैं सूर्य को और वो सूर्य का जल तुलसी में जा रहा है। ये भी गलत विधान है। कभी भी सूर्य को और तुलसी को एक साथ जल ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमेशा तुलसी को अलग जल दें और सूर्य को अलग जल दें। दूसरी बात, सूर्य को जब भी आप जल दें तो सूर्य के नामों का उच्चारण करें या गायत्री का जप करें। और हमेशा हो सके तो हर एतवार को कम से कम, रविवार वाले दिन कम से कम गायत्री का हवन जरूर करें। गायत्री का हवन आपके ग्रहों को बहुत मजबूत बनाता है, खासकर मान और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार का भी हमारे वेदों में बहुत अच्छा प्रभाव बताया गया है। इसलिए ध्यान रखें, अगर आप सूर्य नमस्कार करोगे तो अभी आपके सभी ग्रह अच्छे होंगे और आपका शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य अच्छा होगा। सभी रोगों का एकमात्र उपचार अगर आप पूछें तो सूर्य से बढ़कर कुछ नहीं है। सूर्य एक ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं, सूर्य और चंद्र जो हमें दर्शन देते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप सूर्य उपासना करते हो तो आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। मेरी मानो तो सूर्य से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है, और अगर आप सूर्य को साध लो तो सब कुछ सध गया। इसीलिए सूर्य उपासना जरूर करें, सूर्य को जल अवश्य दें, सूर्य को प्रातः उसकी वंदन के लिए अवश्य उठें और सूर्य नमस्कार जरूर करें। एक बात का और ध्यान रखें, जो विद्यार्थी वर्ग है अगर वो अच्छा प्रभाव सूर्य का और अच्छा प्रभाव पाना चाहते हैं तो सूर्य के पाठ भी पढ़ें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ बहुत ही शुभकारी है और बहुत ही बढ़िया है। हर संडे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। इसी जानकारी के लिए साथ में अब आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय राम जी की जय श्री राम।